आए हुए विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का आज इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विद्युत नगर में पहुंचने पर स्वागत है। मैं आज यहां दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की 13वीं अंतर सर्कल खेलकूद प्रतियोगिता की आयोजन समिति का अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले डायरेक्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए यहां आए हैं। सर, आपको बताना चाहूंगा कि आगामी 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, शतरंज, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, कैरम बोर्ड, रस्साकशी, टेबल टेनिस और शूटिंग वॉलीबॉल स्पर्धाओं में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 11 ऑपरेशन सर्कल और मुख्यालय हिसार के लगभग 875 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सर, खिलाड़ियों के लिए बोर्डिंग व खान पान की उचित व्यवस्था की गई है। खिलाड़ियों से निवेदन है कि वे इन 3 दिनों में अनुशासन में रहते हुए खेल नियमों का पालन करते हुए और खेल भावना का परिचय दें। अगर खिलाड़ियों को किसी प्रकार की इन 3 दिनों में कोई परेशानी का सामना होता है तो वो अपने आयोजन समिति द्वारा बनाई गई विभिन्न कमेटियों से संपर्क कर सकते हैं। उनके मोबाइल नंबर आपके जहां आप स्टे कर रहे हैं वहां पर रूम के बाहर वो लगा दिए गए हैं। मैं आप सभी की इस भागीदारी, इस खेल प्रतियोगिता में भागीदारी का शुक्रगुजार हूं और इस आयोजन की सफलता के लिए आपका पूरा सहयोग चाहता हूं। मैं डायरेक्टर साहब का यहां पधारने पर पुनः धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। मुझे खिलाड़ियों में खेल के प्रति रुचि और जोश देखकर खुशी हो रही है और इस आयोजन के मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। जिस हर्षोल्लास व उमंग के साथ निगम के कर्मचारी खिलाड़ी यहां खेलों में भाग ले रहे हैं, उसी जोश के साथ बिजली सेवा देकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को देश की अग्रणी निगम बनाया है। जब भी खेल खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना में जोश बढ़ जाता है। उसी ऐसी विद्या में हर उम्र के खिलाड़ी व सोच व कार्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाता है। खिलाड़ी भी ऐसे खेलों को एक उत्सव के रूप में लेकर खेल को खेल की भावना से खेलकर उनका भरपूर आनंद ले सकते हैं। खेलों में न केवल स्वस्थ अच्छा होता है बल्कि टीम भावना से को भी मजबूत करता है। जिस उत्साह के साथ किसी खेल को जीता जाता है यही उत्साह कार्य के स्तर में भी रखा जाए तो हरियाणा के बिजली वितरण निगम उपभोक्ता संतुष्टि को में भी अपना लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कठिन खेलों को खेलने वाले व्यक्ति ही बिजली वितरण निगम जैसे कठिन कार्य को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध व सुचारू बिजली आपूर्ति करने के लिए हमारे कर्मचारी पूरी लगन में कार्य से कार्य करते हैं। खराब मौसम जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी बिजली कर्मचारियों को ज्यादा कार्य करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का एक अलग पहचान है और देश के अनेक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल किए हैं। हमें गर्व है तब होता है जब ये पदक हासिल करने वाले ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा से होते हैं। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन संप्रदायों में निगम के कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ी भी हमारे बीच में भाग ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों का आज यहां सम्मानित भी किया जा रहा है। मुझे आशा है आप सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए भाग लेंगे। मैं इस प्रतियोगिता को सफल आयोजन की कामना और उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। अपने अधीनस्थ इन अधिकारी कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया। प्रोजेक्ट दक्षिण हरियाणा बिजली निगम, इधर जो आपके कर कमलों से फहराया जा रहा है वो सभी मान्यताओं मर्यादाओं पर खरा उतरते हुए उनको पूरा करते हुए खेल को नए आयाम देगा, खेल को नए मुकाम तक पहुंचाएगा और ये खिलाड़ी इस ध्वज की शान शौकत में और इजाफा करेंगे। इसकी शान में वो बरकरार रखने के लिए अपने खेल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।
दोस्त साहब आप भी आओ ना, नरेश जी आप भी आ जाओ, और क्या हो, पंचकुला से समारोह के शान बढ़ाने के लिए आए हैं सर आप, आपकी उपस्थिति बहुत उल्लेखनीय होनी चाहिए। थोड़ा नीचे करो, खुश मिजाज शख्सियत के साथ कहिए अधीन कहिए काम करने का मुझे अवसर सौभाग्य मिला है। मेरे डीएसओ हैं, मुझे बड़ी खुशी और उत्साह है इस बात का, धन्यवाद सर। ये रंग बिरंगा